अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मनाल खान। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें जियो एंटरटेनमेंट। क्या बात, मेरी किताब छप रही है। अच्छा, उसी सिलसिले में पब्लिशर से मीटिंग। तभी ये सब। मैं बहुत से राइटर्स को जानता हूं, किसी ने तुम्हें गलत गाइड किया है कि किताबों में तहरीरों के साथ साथ तस्वीरें भी छपती हैं। मैं किताब अपनी शनाख्त के लिए लिख रही हूं, मशहूरी के लिए नहीं। ना आपको रुस्वा करने के लिए, अपने जज्बों के इजहार के लिए लिख रही हूं। प्लीज ज़ैनब, अपनी जिंदगी इन फजूल कामों में जाया मत करो। हालात को समझो, वक्त की जरूरत को समझो। हालात और जरूरत को समझ के ये फैसला किया मैंने। तुम जानती हो मैं कितना परेशान, इसीलिए तो यहां आ गई हूं। अगर मेरे जाने के बाद भी आपके घर में सुकून और इत्मीनान नहीं है तो उसकी वजह मैं नहीं, कोई और है। सिर्फ इतनी सी बात समझने की कोशिश करो कि उस घर में तुम्हारी एक बेटी है। सारा दिन अबीरा उस घर को भी संभालती है, आयशा को भी संभालती है, मेरा भी ख्याल करती है। कब तक करती रहेगी वो ये सब कुछ? आयशा को अब तक मैंने ही पाला है, कुछ जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती है। पता है मुझे उस घर को मेरी जरूरत है, लेकिन मेरी अहमियत नहीं है और ना होगी। अस्सलाम वालेकुम मामू। अस्सलाम वालेकुम मामी। सॉरी मामी, वो थोड़ा लेट हो रहे हैं, हमें जाना चाहिए। एक्चुअली ट्रैफिक भी ज्यादा है और टाइम भी लगेगा वहां पे पहुंचने में। तुम गाड़ी में बैठो, मैं आ रही हूं। ठीक है जी। फिर क्या फैसला है तुम्हारा, तुम मेरे साथ जा रही हो या नहीं जा रही? फिलहाल तो मैं मीटिंग में जा रही हूं। तुम ठीक नहीं कर रही हो, सेल्फिश हो गई हो तुम। तुम्हें इस वक्त सिर्फ अपना आप दिखाई दे रहा है, सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। तो यू ओके? अगर आप कहें तो मीटिंग रीस्केड्यूल करा दूं। नहीं नहीं चलो, सब ठीक है। हेलो। वालेकुम अस्सलाम खदीजा, क्या हाल है बच्चे? हाँ हाँ बेटा, जरूर समझाओ उसे, माँ है वो तुम्हारी। उसको समझाओ कि खामखा की इस जिद में कुछ नहीं रखा, और उसे ये भी बताना कि अगर वो ये समझ रही है कि हमसे दूर रहकर अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी तो कहने और करने में बड़ा फर्क होता है, इतना आसान काम नहीं है ये। ठीक है बेटे, अच्छी बात, चलो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती। ओके मेरा बच्चा, खुदा हाफिज। आ
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम क्या कर रही? वैसे तुम्हारे अभी कानों पे जूनी रिंग थी, बिल्कुल जैनब की तरह। तुमसे कहा है मैंने कि इतना काम मत किया करो यार। ओहो, ये भी कोई काम है? और वैसे भी अब तक तो मुझे आदत हो चुकी है। हाँ, तो वक्त के साथ साथ अपनी आदतों को बदलना पड़ता है। अपनी आदतों को बदलो, ख्याल रखा करो अपना यार। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप मेरा ख्याल रखते हैं ना, और मुझे क्या चाहिए? अच्छा, वो किधर है अपनी आयशा? आयशा, आयशा अभी ट्यूशन से नहीं आई। ट्यूशन? ये कब से? वो उसके एग्जाम्स करीब आ गए ना, कह रही थी इकोनॉमिक्स में थोड़ी हेल्प चाहिए। तो ठीक है, अच्छी बात है, उसको हेल्प चाहिए तो। देखो ना, अभी ये सारी चीजें जैनब की देखने वाली थी, उसको एहसास होना चाहिए कि आयशा की क्या जरूरतें हैं। तुम्हारा काम तो नहीं है ये, लेकिन वो पता नहीं किस किस्म की औरत है यार। तो फरहान, इसीलिए तो मैं कहती हूँ आप प्लीज जैनब को वापस ले आए। आप अगर आप कहें तो मैं जाकर बात करूं। नहीं, 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 नहीं। तुम्हारे जाने की जरूरत नहीं है, मैं जाऊंगा, खुद जाके बात करूंगा उससे। बस वो काम इतना होता है कि वक्त ही नहीं निकल पा रहा है मुझसे। अच्छा ना, सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान ना हो प्लीज। आई नो, तुम हो तो सब ठीक हो ही जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर व्हाटएवर यू डूइंग। ये क्या फॉर्मल बातों में पड़ गए आप? जाए जाके कपड़े चेंज करें, मैं खाना लगाती हूँ, भूख से बेहोश होने वाली हूँ मैं। अच्छा चलो ठीक, मैं आया सामानों पर रख के। तो मेडिसिन तो रेगुलरली ले रही हो ना? हाँ, बस फिर भी घबराहट होती है। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अब जो मेडिसिन लिख रही हूँ इससे तुम्हारी ये तकलीफ भी खत्म हो जाएगी। बस यू जस्ट कीप टेकिंग योर मेडिसिन रेगुलरली। कितनी अजीब सी बात है, अभी अबीरा की शादी हुई है, माशाल्लाह शी इज एक्सपेक्टिंग नाउ, और एक मेरी किस्मत है उसे फॉरन एडमिट करना होगा। देखो अकीला, आई वॉन्ट यू, अभी इनिशियल स्टेजेस है, यू कुड लुक इनटू इट, बाद में मां बनना उसके लिए जानलेवा साबित होगा। हाउ आर यू गोइंग टू गेट अलोंग? ओह माय गॉड, मैं उससे बात करती हूँ, प्लीज डू। क्या तुम होश में हो? चलो वो तो बच्ची है, लेकिन तुम्हें तो अक्ल इस्तेमाल करनी चाहिए थी। मैं तो समझी थी कि उसको थोड़ी सी खुशी मिल जाएगी, मुझे क्या पता था। तुम हमेशा गलती करके आती हो, फिर बताती हो ये हो गया। तुम दोनों बहनों ने उस वक्त भी अपनी ही मनमानी की थी, इसका नतीजा आज हमारे सामने है। बस अल्लाह उस पर रहम करे और उसकी गलतियों को माफ करे। हाँ, अब दुआ ही उसका इलाज है। तुम्हें अंदाजा भी है इन चंद महीनों में तुम्हारी बहन ने कितने लोगों की जिंदगियों से खेला है। देखो, बात तुम्हें मेरी बुरी लगेगी, लेकिन ये सच्ची बात है। कौन सी बात? यही कि तुम्हारी बहन को उन मासूम बच्चियों की बददुआ लगी है, उसकी सजा हम सब भुगतेंगे। ये तुम क्या कह रहे हो? वहां मेरी बहन जिंदगी और मौत के मसले में पड़ी हुई और तुम्हें सिर्फ ताने सूझ रहे? ये ताने नहीं है, सच कह रहा हूं। यू नो व्हाट, मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहती।
आयशा मैं नाश्ता लगा रही हूँ, करके जाना। आपको मेरी फिक्र कब सोने लग गई? मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। जासूसी तो बिल्कुल आप दुश्मनों की तरह करती हैं। मैंने फरहान से तुम्हारे लिए झूठ बोला है, कहा है तुमने ट्यूशन ज्वाइन कर लिया। क्यों बोला झूठ? किसने कहा था आपसे? वैसे जितनी आपकी उम्र है ना, उस हिसाब से आप पे झूठ सूट नहीं करता। आयशा देखो, प्लीज प्लीज मेरी बात को समझो, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मुझे समझाने से बेहतर है कि आप खुद समझ लें और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। अबीरा, अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आप जल्दी आ गए काम से? हाँ, कुछ दफ्तर में काम ज्यादा नहीं था तो मैंने सोचा कि जल्दी घर जाके तुम्हारे साथ वक्त जाया किया जाए। बहुत अच्छा किया। आप ऐसा करें, ऊपर जाके चेंज करें, मैं टेबल सेट कर रही हूँ, खाना भी तैयार होने वाला है। चलो गुड। आयशा किधर है? आयशा अपने कमरे में। ट्यूशन करेंगे? हाँ गई थी, आ गई वापस। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर खाना साथ में खाते हैं, काफी दिन गुजर गए। आयशा कहाँ जा रही हो तुम इस वक्त? आपसे मतलब? बाबा आ गए ऑफिस से, वो चाहते हैं हम सब साथ बैठ के खाना खाएं आज। तो ये बात है। बाय द वे, मैं मामा से मिलने जा रही और खाना भी उन्हीं के साथ खाऊंगी। अच्छा तो ठीक है, बाबा आ जाए, वो तुम्हें ड्रॉप कराएंगे। आप ये हर बार बाबा क्यों के बीच में ले आती हैं? मतलब आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? मैं अपने फ्रेंड के साथ जा रही हूँ और वो ही मुझे ड्रॉप करेगा। आयशा सुनो, आयशा आयशा मेरी बात सुनो। याद है तुम्हें पहली बार तुमने मुझे कितना एटीट्यूड दिखाया था? और तुम्हें अपनी हरकतें याद है, मुझे इंप्रेस करने के लिए क्या नहीं किया था। अच्छा तो तुम्हारे फादर ने दूसरी शादी की, राइट? हाँ। शी इज टू यंग यार, तुम्हारे पापा के तो मजे हैं, पापा भी यंग और पापा की चॉइस भी यंग। शट अप पापा and please stay in your limits. Come on Aisha, I'm just kidding, okay? Relax, please. Please mujhe ghar drop kar do, mama ke paas. Acha publisher to mami ko dekh ke na pareshan hi ho gaya. Wo expect kar raha tha koi 80 saal ki aurat hogi, haath mein cane pakdi hogi, muh mein koi daant nahi hoge. Acha bas bhi kar de. Main dekhta hu. बात को कितना ज्यादा बढ़ा के बताता है। हाँ है ना, इस तरह नहीं हुआ था कुछ भी, हमेशा से ऐसे ही है। क्या हुआ है? वे शुक्र है तुम आ गई, बहुत मजे का सरप्राइज है आज। ऐसा भी क्या है? आओ ना बताता हूँ, अंदर चलो। सलाम अलैकुम पप्पू। सलाम अलैकुम मामा। क्या हो? इतने दिन लगा दिए, इतने दिनों बाद आई हो, ठीक हो ना?
अच्छा इसके लिए कुछ खाने के लिए लाओ। देखो एक तो इतने दिनों के बाद आई और कितनी कमजोर लग रही है। बताओ भाई क्या खाओगे, क्या ऑर्डर करें तुम्हारे लिए? भाई आज का डिनर तो मैं आप लोग के साथ ही करके जाऊंगी, अब आप लोग कुछ भी मंगवा लें। तो फिर ठीक है, डिनर तो रेडी है, मैं लगवा देती हूँ। चलो इसी बहाने हमें भी खाना टाइम पे मिल जाएगा। आई कैसे तुम? वो दरअसल मेरी दोस्त को ना कुछ बुक्स वगैरह खरीदनी थी बुक शॉप से, तो मैंने कहा मुझे ड्रॉप करती चली जाओ। मैं कह रहा था कि वो आयशा को भी आवाज दे दो, वो भी आ जाए खाना खा ले। वो तो ज़ैनब से मिलने गई है। ज़ैनब से मिलने? कब गई है और इस वक्त कैसे गई है वो? एक्चुअली उसका दिल बहुत चाह रहा था तो टैक्सी में ही चली गई। क्या क्या करती है उसको, तुमने जाने दिया? नहीं आप परेशान नहीं हो, कॉन्फर्मेशन मैसेज आ गया था मुझे, खैरियत से पहुंच गए। अब देखो ना अजीब सी बातें करेगी वो, बच्चों के सामने शर्मिंदा करेगी मुझे कि बेटी को टैक्सी में भेज दिया। फरहान मैं सोच रही थी अगर आप इजाजत दें तो कल मैं जाके ज़ैनब से बात करूं, कोशिश करके देखती हूँ हो सकता है वापस आ जाए। नहीं नहीं मैं नहीं चाहता हूं कि तुम जाओ और जाके उससे कोई किसी भी किस्म की बात करो, मुझे पता है उसका, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा हुआ तुमने पूछ लिया मुझसे, मैं खुद जाऊंगा खुद बात कर लूंगा उससे, देखता हूँ क्या कहती है। Are you sure? ना। अच्छा खाना तो शुरू करें, ठंडा हो रहा है। आयशा बहुत देर हो रही है, अब मैं रिजवान से कहती हूँ तुम्हें ड्रॉप कर दे। नहीं मामा उसकी जरूरत नहीं है। अंधेरा हो गया है और रिजवान आ गया तो तुम्हें कैब में जाने की क्या जरूरत है? मामा ठीक कह रही हैं। मामा मैंने आपको बताया तो था कि मेरी जो फ्रेंड मुझे ड्रॉप करके गई है वो ही पिक करेगी, इसीलिए। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। जी हाँ तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा आए थे? क्या अब क्या करने आए थे वो? मामा को लेने के लिए, और मामा ने पता क्या किया, जाने से मना कर दिया। बहुत अच्छा किया, वेरी गुड मामा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अच्छा किया ना, जब साथ थी तब तो कोई वैल्यू नहीं थी, अब जाने के बाद एहसास हो रहा है। और अब क्या कहना था उन्हें? आयशा बाबा खुद चलकर मामा को लेने के लिए आए थे। तो जाहिर है घर से खुद ने निकाला था तो लेने भी खुद ही को आना था, किसी हमसाये को थोड़ी भेजेंगे लेने के लिए। अब मुझे पता चला कि ये सब कुछ किसका किया जा रहा है। जब तक मैं वहां मौजूद थी ना ऐसी कोई भी नौबत नहीं आई थी। कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा है, और अभी तो सिर्फ चंद दिन गुजरे और बाबा को एहसास हो गया है। अभी तो आहिस्ता आहिस्ता देखना कि आगे क्या होता है, मामा की वैल्यू का अंदाजा हो जाएगा अच्छी तरह। बस कर दो आयशा, एक घर तुम उजाड़ चुकी हो, क्यों दूसरे घर के पीछे पड़ गई हो? तुम कैसी बातें कर रही हो खदीजा, मामा की वजह से तुम्हारा घर टूटेगा? तुम इतनी खुदगर्ज हो चुकी हो, तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम्हें किस बारे में कौन सी बात करनी है। सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारी सोच इतनी ज्यादा गिर सकती। बस कर दो, जरा तुम लोग बात कर रही हो, कोई हद होती है बदतमीजी की। मामा आपने देखा है किस तरह की बातें कर रही है? सही तो कह रही है, और बड़ी बहन ने तुम्हारी लिहाज किया करो उसका। मामा इसकी सारी बातें सुनी है, फिर भी देख लिया
ऐसा हौसला और दिल तो सिर्फ एक माँ के पास ही हो सकता है। तुम और बाबा तो खुदगर्जी में डूब चुके हो, तुम लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। पापा को तो आहिस्ता आहिस्ता एहसास हो गया, तुम्हें भी एहसास होगा लेकिन वक्त लगेगा। समझ नहीं आ रही मैं कैसे ये करूंगी, बर्दाश्त नहीं हो रहा अभी मुझसे। तुम्हें वहां भेजा किस मकसद से था? तुम दोनों बहनें ना किसी की नहीं सुनती हो। मैं जितनी कोशिश कर सकती थी मैंने की है। कोशिश? तुम इसे कोशिश कहती हो? तो फिर तुम ही बताओ मैं कैसे करूं। इसमें ऐसा मुश्किल क्या है? उसको ये बताना है कि तुम पेशेंट हो, तुम ये सब अफोर्ड नहीं कर सकती। अब क्या बताऊं उसे कि तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है और तुम जल्दी ही मरने लगी हो? तुम नहीं समझोगे, ये बातें तुम्हारे लिए नॉर्मल है लेकिन वो मेरी बहन है। मुझसे पूछो मेरे ऊपर क्या गुजर रही है। देखो उससे अगर पता ही नहीं चलेगा कि उसे क्या है तो वो कैसे अपना इलाज करेगी, उन चीजों से कैसे बचेगी कि इसके लिए जो जहर है। मुझ में अब बिल्कुल हिम्मत नहीं है उसे कुछ भी कहने की। देखो मैं भी उसका दुश्मन नहीं हूं, मैं चाहता हूं अब जो उसकी जिंदगी बची है कम से कम सुकून से गुजरे। मेरे ख्याल में तो सब एडमिट कराना चाहिए, बाकी तुम्हारी मर्जी। अल्लाह हमें इस मुसीबत से निकाल दे और अपनी खास रहमत उस पर फरमाए। आयशा कहां से आ रही हो तुम, और ये क्या है तुम्हारे हाथ में? आप मुझे एक दफा बता दें कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है। मैंने जो तुमसे पूछा है पहले तुम उसका जवाब दो। मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ गई थी और उसी ने गिफ्ट दिया, और कोई सवाल? तुम अपनी माँ का यहाँ ना होने का नाजायज फायदा उठा रही हो। मैं तुम्हें बार बार वार्निंग दे रही हूँ उस लड़के से दूर रहो। फायदा मैं उठा रही हूँ या फिर आप? ओ, आप तो उठा चुकी। और जहां तक आपकी वार्न करने की बात है तो क्या कर लेंगे आप मेरे साथ? बाबा को बता देंगे तो बता दें। Why don't you understand? वो लड़का अच्छा नहीं है, प्लीज उससे दूर रहो। आप अपने मशवरे ना अपने पास रखें। मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अबीरा, इस अच्छे या बुरे लड़के की बात हो रही? बाबा क्या मुझे अपनी फ्रेंड्स की लिस्ट इनसे वेरीफाई करवानी पड़ेगी? मतलब मैं अपनी मर्जी से किसी के साथ नहीं जा सकती और ना ही किसी को बुला सकती। वो अलग बात है कि आप लोग चाहते ही नहीं है कि मैं इस घर में रहूं। मैं चली जाऊंगी मैम। आयशा आई ये सब क्या हो रहा है घर में, क्या चल रहा है, क्या हुआ है? कुछ नहीं, प्लीज आप परेशान ना हो। तुम देख रही नहीं वो किस तरह बिहेव कर रही? कुछ ना कुछ तो हुआ है ना, कोई बात तो हुई है। क्या बात है ऐसे बताओ मुझे। और ये फ्रेंड्स का जिक्र हो रहा था, ये कौन है लड़का, हु इज ही? नहीं मैं किसी एक खास लड़के को लेके थोड़ी डिस्कस कर रही थी। वो तो उसके सारे फ्रेंड्स जनरली मुझे इतने सुलझे हुए नहीं लगे। प्लीज इन बच्चों से तुम क्या एक्सपेक्ट करती हो?
इस उम्र में बच्चे इस तरह की छोटी मोटी शरारतें करते रहते हैं, इनको हमारी जैसी फिक्रें थोड़ी होती हैं। और अगर इसके अलावा कोई बात है तो तुम मुझे बताओ, आई कैन फिक्स इट राइट। नहीं नहीं, बस यही बात थी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। देखो, सिचुएशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। मैं इस घर में मजीद नाराजगियां फूट नहीं करता हूं। मैं ये नहीं तुमसे कह रहा कि तुमने जो कुछ कहा है वो गलत है या गलत होगा। तुम ठीक कह रही होगी, बिल्कुल यही बात आयशा को अगर जैनब कहती तो मेरे ख्याल में उसको बिल्कुल बुरा ना लगता। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? इसीलिए तो मैं आपसे कह रही हूं, प्लीज जैनब को घर वापस ले आए, वरना मैं चली जाऊं। अच्छा ठीक है, ले आऊंगा उसको। फरहान, ये तो आप रोज ही मुझसे कहते हैं, आपको आज ही जाकर लेकर आना होगा। आज? जी हाँ आज, इनफैक्ट अभी। देखिए ऑफिस से तो अब आप वापस आ चुके हैं, मीटिंग का भी कोई बहाना नहीं चाहिए। अच्छा चलो, कुछ करते हैं, कुछ करते हैं। That's like a good boy. 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 वो बैग ऊपर। Boy. मेरे घर का सुकून दिन ब दिन बिगड़ता चला जा रहा है और ये सब मेरी आंखों के सामने हो रहा है। पूरी तरह बाखबर भी हूं, आयशा को जैनब की इस वक्त बहुत जरूरत है। मैं मजीद रुसवाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक कहती है अबीरा, जैनब को इस घर में आना होगा जितनी जल्दी हो सके। हेलो। हाँ अस्सलाम वालेकुम। तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं, सो नहीं रही थी, कुछ लिखने में मगन थी इसलिए टाइम लगा फोन उठाने में। कोई बात नहीं, एक जरूरी बात करना चाह रहा था मैं तुमसे। जी जी बिल्कुल बात कर सकते हैं। नहीं फोन पे तो नहीं हो पाएगी, उसके लिए जरूरी है कि मैं तुमसे मुलाकात करूं। कल मैं घर पे ही हूं, आप किसी भी वक्त आ सकते हैं। कल की बात नहीं है, मैं आज की बात कर रहा हूं। अगर मुनासिब है तो अभी मिलना चाहूंगा तुम्हें। अभी इतना चौंकने वाली कौन सी बात है? क्या बिल्कुल निकाल चुकी हो मुझे अपनी जिंदगी से, कभी एक पल के लिए मिल भी नहीं सकती? नहीं, ठीक है, बताएं कहां मिलना है। तो बस फिर मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं तुमसे मिलने के लिए।
हेलो जी मैं आ रही हूँ। क्या बात है इतनी चुप क्यों? नाराज हो मुझे? किसी ने यहां आने से मना तो नहीं किया? नहीं। खाना खाया तुमने? चलो अच्छी बात है, मैंने भी नहीं खाया है, मिलके खा लेते। अच्छी लग रही हो। तीजा, खाने में कितनी देर है? बहुत भूख लगी है। तैयार है खाना। क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है। क्यों? तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई है जो तुम मेरी तबीयत के बारे में पूछ रहे हो? चिड़चिड़ी कब से होगी हो यार? मसला क्या है? ये तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि मैं चिड़चिड़ी क्यों हो गई हूँ, मेरे साथ मसला क्या है, क्यों है और कब से है। यार देखो, अब मुझे खौफजदा कर रही हो, साफ साफ बता दो क्या मसला। मैं तुम्हें खौफजदा कर रही हूँ? और ये जो खौफ हमारे आगे पीछे घूम रहा है इसका क्या? यार जब तक बताओगी नहीं कि इशू क्या है, मैं कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा? जब तक टाइम नहीं होगा तुम्हारे पास तो तुम्हें कैसे पता चलेगा मेरा मसला क्या है? वहां एक डॉक्टर के पास मैं तुम्हें ले जाने को कहती हूँ और तुम मुझे कहते हो जाओ पप्पू के साथ चली जाओ। तुम्हारे पास मेरे लिए इतना सा भी टाइम नहीं है? तुम्हारे सामने मैं पब्लिशर के ऑफिस के चक्कर लगा लगा के पागल हो गया हूँ, एक मीटिंग सेटअप करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस कर दो रिजवान, बस कर दो। थक गई हूँ मैं पब्लिशर 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 सुन सुन के तुमसे और तुम्हारी फजूल मीटिंग अरेंजमेंट से। अब समझ जाए मुझे, तुम्हें मुझसे मसला नहीं, मामी से मसला है ना तुम्हें। मुझे मामा से मसला नहीं रिजवान, मुझे मामा से मसला नहीं है, मुझे तुम्हारे इन फजूल इरादों से मसला। मेरे इरादों से? हाँ तुम्हारे इरादों से, क्योंकि तुमने ही मामा को ये बुक पब्लिश करने के ख्वाब दिखाए, तुमने ही उन्हें अपने घर अपने शोहर यहाँ तक कि अपनी बेटियों से भी दूर किया है। रिजवान खतीजा, मैंने मामी को उनकी डिप्रेशन से निकाला है और जो तुम ये ख्वाब बोल रही हो ना बहुत जल्द हकीकत बनने वाले और तुम सबके सामने आने वाले हैं। और रही बात भूलने की तो तुम लोग भूले होने, उनके जज्बात की कोई कदर नहीं की तुम लोगों ने। नहीं खाना खाना मैंने। यार वो क्या कहते हैं, एक कर दो चिकन कुर्मा कर दो और बिरयानी ले आओ। एक सही नहीं रहेगा, चिकनाई भी ज्यादा है, मसाला भी हो फिर एसिडिटी हो जाती है। हाँ तो फिर तुम्हें दे दो ऑर्डर। दाल ले आए?
देखो ज़ैनब, अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम क्या चाहती हो। अगर मुझसे पूछोगी तो मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर एक साथ रहें जैसे पहले रहते थे, साथ में जिंदगी बसर करें, बल्कि जिंदगी को भरपूर तरीके से। ठीक है, इसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। मुझे कोई तरह सही है, बिल्कुल ठीक है। तुम अच्छी तरह अपनी पूरी तसल्ली कर लो, सोच लो, सोच लो। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि तुम्हारे सोचने समझने की सलाहियत बढ़ चुकी होगी। मुझे घर आने में कोई मसला नहीं है। तो फिर तो पीछे कोई मसला रह ही नहीं गया। मेरा मतलब है मेरी किताब मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद।